हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धान की फसल पर मुख्य रूप से BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर्स के अलावा वाइट बेकर प्लांट्स हॉपर, हरा तीला, भूरा तीला, माहू और भूरा पौध का फुदका। मुख्य रूप से जो तीला होता है हमारी धान की फसल पर कई प्रकार से प्रकोप देखने के लिए मिलता है। जैसे हमारी धान की फसल पर या तो बहुत अधिक मात्रा पर तीले का प्रकोप होता है, या कम मात्रा पर होता है, या बिल्कुल भी कम मात्रा पर तीले का प्रकोप होता है। BPH सबसे खतरनाक होता है, तो हम इस वीडियो को तीन भागों में डिवाइड करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारी धान की फसल पर अधिक मात्रा पर BPH है तो उसके लिए आपको क्या स्प्रे करना चाहिए। वीडियो को हम आपको बता दें कि वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और जानकारी मिलने वाली है। मैं हूँ आपका दोस्त शिव कुमार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। देखिए, BPH हो या फिर धान की फसल पर अन्य तीलों को नियंत्रण करने के लिए, भूरा पौध का फुदका को नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए मार्केट में कई प्रकार की पेस्टिसाइड दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, लेकिन जो मार्केट में लंबे समय तक जो रिजल्ट देने वाली जो पेस्टिसाइड दवाई हैं, जैसे पेक्सालोन, चेस और ओसिन। लेकिन भैया, ऐसी कंडीशन है, जो पेक्सालोन आती है का जो रिजल्ट जाता है 25 से 26 दिनों तक रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा चेस जो होती है इसका जो रिजल्ट है 15 से 16 दिन, और ओसिन का भी 15 से 16 दिनों तक ही BPH को और अन्य तीलों को कंट्रोल करके रखती है। धान की फसल पर BPH और अन्य तीलों को नियंत्रण करने के लिए आपको पेक्सालोन, चेस और ओसिन आती है। इसका डोज भी अलग अलग है, प्राइस भी अलग अलग है, और रिजल्ट टाइम भी अलग अलग है। जैसे पेक्सालोन आती है मार्केट में, आपको मिल जाएगी 25 से 26 दिनों तक रिजल्ट मिलते हैं, और इसका जो खर्च जाता है प्रति एकड़ 1400 रुपये, जो महंगी है। इसके अलावा चेस आती है 15 से 16 दिनों तक रिजल्ट मिलते हैं, और इसका प्रति एकड़ खर्च जाता है 700 रुपये। ओसिन का भी जो रिजल्ट टाइम है 15 से 16 दिन तक है, और खर्च जाता है 600 रुपये के समथिंग, एक एकड़ में हमको खर्च लगता है। हम आपको एक ऐसी तरकीब बताने वाले हैं जो अधिक मात्रा में यदि तेले का प्रकोप है तो आपको क्या स्प्रे करना है, ताकि जो आपको रिजल्ट 15-16 दिन तक मिल रहा था वही रिजल्ट आपको 26 से 27 दिनों तक मिले। तो वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखना, उसी के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, धान की फसल पर कीट प्रकोप के मामले में हम अलग अलग स्प्रे डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब यह है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हमारी धान की फसल पर BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर और अन्य प्रकार के जो कीट हैं, तीले हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, यानी कंट्रोल करना एकदम ना के बराबर हो जाए, यानी बहुत ही मुश्किल हो जाए, जो BPH है बड़ी मात्रा में प्रकोप है, तो ऐसी कंडीशन हमको क्या स्प्रे करना है। ऐसी कंडीशन में हम पेक्सालोन 94 ml लेना है, और उसी के साथ आपको मिक्स करना है हेनोबुकार्ब 300 ml लेके मिक्स करके स्प्रे कर देना है। अब ये तो हो गई कि जब हमारी धान की फसल पर BPH नियंत्रण नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको पेक्सालोन स्प्रे करना है, क्योंकि ये महंगी है, ध्यान रखना है। हमको तभी स्प्रे करना है पेक्सालोन का जब हमको लगे, जब धान की फसल पर बड़ी मात्रा पर BPH कंट्रोल ना हो रहा हो, उस कंडीशन में आप पेक्सालोन का स्प्रे कर सकते हैं। जो आपको रिजल्ट कम दिन तक मिल रहा था, यानी पेक्सालोन को स्प्रे करने से 25 दिनों के आसपास जो रिजल्ट मिलते हैं, वही रिजल्ट बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि धान की फसल पर मध्यम वर्ग पर BPH का प्रकोप है, यानी कम मात्रा पर BPH का प्रकोप है, उसके लिए हमको क्या स्प्रे करना चाहिए। उसके लिए हमको चेस स्प्रे कर सकते हैं, जो सिजेंटा कंपनी की चेस आती है 120 ग्राम के साथ आपको क्या मिक्स करना है, प्रति एकड़ चेस लेना है 120 ग्राम, और उसी के साथ आप हेनोबुकार्ब 50% जो कि EC फॉर्म में आती है 300 ml, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। जो चेस स्प्रे करने से हमको रिजल्ट मिल रहे थे केवल 15 से 16 दिन, वही रिजल्ट आपको 25 से 26 27 दिन तक आपको वही रिजल्ट परिवर्तन हो जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा यदि कम मात्रा पर टिड्डे हैं, कम मात्रा पर BPH है, कम मात्रा पर तीले हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप PI की जो ओसिन आती है उसको लेना है आपको 100 ग्राम, और उसी के साथ या तो आप थायमोथॉक्सोन मिक्स कर सकते हैं, या तो आप फेनोबुकार्ब आती है जो आप इस फुटेज पर देख रहे हैं 50% EC, उसी के साथ आप 300 ml मिक्स कर लीजिए, और ओसिन को 100 ग्राम। इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन करके यदि आप मिक्स करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, फायदा ये हो जाएगा कि लंबे समय तक जो हमको ओसिन स्प्रे करने से 15-16 दिन में, प्रैक्टिकली जानकारी आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि पेक्सालोन पर जो हमको रिजल्ट मिल रहे हैं वो मिले हैं पेक्सालोन स्प्रे करने से, जो हमको रिजल्ट मिले हैं 25-26 दिन,
चेस स्प्रे करने से हमको रिजल्ट मिले हैं 15 से 16 दिन, और ओसिन भी स्प्रे हमने करके देखा है तो इसके भी रिजल्ट हमको 15 से 16 दिन के आसपास ही मिले। लेकिन इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं नेबू कार्ब 50% ईसी को जब हम मिक्स कर रहे हैं 300 ml, तो वही रिजल्ट मतलब कम खर्च पर भी हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जो रिजल्ट हमको 15 से 16 दिन तक मिल रहे थे वही रिजल्ट हमको बढ़ जाएंगे, यानी 25 से 26 27 दिनों तक हमको रिजल्ट मिलेंगे। तो इनको यदि आप कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पेक्सालोन हो, चेस हो या फिर ओसिन हो। इसके साथ आप फेनोबुकार्ब या फिर थाइमेथोक्सोम का मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो लंबे समय तक आप हरा तेला हो या फिर BPH हो, आप आसानी से लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो धान की फसल है पेक्सालोन हमको तभी स्प्रे करना है जब हमको लग रहा है कि धान की फसल पर जो तीले होते हैं उनको नियंत्रण नहीं हो रहे हैं अन्य दवाइयों से, तब आपको पेक्सालोन में जाना है, क्योंकि पेक्सालोन का जो खर्च है काफ़ी ज़्यादा है, 1400 रुपये एकड़ पड़ती है। लेकिन हाँ, जो ओसिन आती है और चेस आती है इन पर आप जा सकते हैं, इनका खर्च 600-700 रुपये एकड़ जाता है। अब बात करते हैं सावधानी के बारे में, तो प्रति एकड़ आपको 150 लीटर पानी लेना ही लेना चाहिए, यानी 150 लीटर से पानी कम ना हो। तेले का प्रकोप दिखने पर तुरंत रोकथाम करनी चाहिए, ये जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं प्रकोप बड़ी मात्रा में हो गया है फिर आप स्प्रे कर रहे हैं, यानी प्रारंभिक स्टेज पर ही आपको रोकथाम करनी है। 3 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा पानी साफ होना चाहिए, स्प्रे उच्च क्वालिटी वाला पंप होना चाहिए, दवा परफेक्ट पड़नी चाहिए, यानी सभी जगह समान रूप से दवाई पड़नी चाहिए। इसके अलावा सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए, लकड़ी की सहायता से ठीक तरीके से टंकी को जो दवा होती है ठीक तरीके से मिला लेनी चाहिए और डोज को कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना है जिस स्प्रे से दवाई आप छिड़काव करने वाले हैं उस पंप पर 2,4-D गैस वाली खरपतवार नाशक का स्प्रे ना किया गया हो। तो दोस्तों ये थी सावधानी, क्योंकि सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो FMC डूपॉन्ट की पेक्सालोन आती है ये महंगी है, हमको तभी स्प्रे करनी है जब धान की फसल पर जो तेला होता है नियंत्रण नहीं हो रहा तब स्प्रे करना है, वरना चेस और ओसिन पर आप अन्य जो दवाई मैंने बताई उसको मिक्स करके स्प्रे कर देंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक अच्छे उन्नतशील रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों के और भी कमेंट्स आते हैं और बोला जाता है कि हमको कब स्प्रे करना चाहिए। देखिए, जब भी प्रारंभिक स्टेज पर आपको तेले का यानी BPH का प्रकोप दिखे तो तुरंत ही आपको स्प्रे कर देना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।